जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एग्जाम डेट का वेट है कि हमारी जो एग्जाम डेट है वो कब से कंडक्ट की जाएगी और कब से हम अपना एग्जाम दे पाएंगे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और फ्रेंड्स, वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं। ऊपर आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट, ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर यह है अपडेट, 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं या दोस्तों वो किसी ना किसी वजह से एग्जाम हॉल में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको बता दें वो कौन से अभ्यर्थी हैं। क्या दोस्तों आपका नाम उस लिस्ट में शामिल है नहीं शामिल है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे भाई सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो मैं आप सभी से एक बात जरूर बोलूंगा, अगर आपको कोई जानकारी पसंद आती है या आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ उसको दे सकते हैं, तो हम आपसे ओनली लाइक मांगते हैं और सब्सक्राइब मांगते हैं, वो आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर नेगेटिव आ रही है कि भाई हम नहीं करेंगे तो आप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं कि आखिर है क्या ये चीज़। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि क्या है। अभी आरआरबी जो एनटीपीसी है उसका दोस्तों 7वें फेज का एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, 7वें फेज का एग्जाम होना बाकी है और दोस्तों इसलिए आपकी परीक्षा में देरी हो रही है, और बीच में दोस्तों लॉकडाउन लग चुका है ये आप भी जानते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस भी अभ्यर्थी ने दोस्तों फोटो में मिस्टेक की है, ध्यान सुनिएगा, जिस भी अभ्यर्थी ने फोटो में मिस्टेक की है वो दोस्तों फॉरम उसका रिजेक्ट हो रहा है। आप किस जोन से हैं, क्योंकि दोस्तों एक जोन ऐसा है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों लगातार उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अपना जो जोन है, ठीक है, अपना जो जोन है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नीचे तो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना जोन जरूर लिखिएगा कि मैं इस जोन से हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्म हम देख पाएंगे। अभी अभी दोस्तों अपडेट ये आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ये समझ लीजिए 1.5 करोड़ अभ्यर्थी हैं जो दोस्तों परीक्षा हॉल में बैठने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें अभ्यर्थी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों सबसे पहले कि इसकी जो परीक्षा है वो कब से होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका भी अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इस फेज में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी दोस्तों जाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो 7वां फेज है, ठीक है, जो 7वां फेज है एनटीपीसी का, उसका दोस्तों अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। ठीक है, उसमें दोस्तों 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपकी ग्रुप डी का जो यहाँ पर ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी है वो दोस्तों फॉर्म यहाँ पर देंगे। तो देखिए 1.26 करोड़ अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर जो है एनटीपीसी की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से दोस्तों अभी तक 15 लाख अभ्यर्थी बचे हुए हैं। ठीक है, 15 लाख अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं, और दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पर दोस्तों 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ अभ्यर्थी किस में रहने वाले हैं, वो दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में रहने वाले हैं। ठीक है, जो ग्रुप डी है उसमें रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके आने वाले। देखिए दोस्तों, गणित, जनरल यानी रीजनिंग, और उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 25-25 आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, और 100 अंक होंगे, 100% आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इसके जो यहाँ पर हमारी परीक्षा वो कब से होगी। देखिए दोस्तों, ये मई के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि भाई कोरोना पूरे चरम पर आ चुका है, सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं, SSC CSSL का जो एग्जाम वो भी पोस्टपोन हो चुका है, तो भाई अभी जो है ना, अभी आपका एग्जाम का कुछ भी नहीं पता है। मई के लास्ट तक दोस्तों आपका जो एग्जाम है उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो दोस्तों बहुत सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। आप भी अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे चेक कर पाएंगे, अगर आपका दोस्तों शो कर रहा है तो आसानी से आप दोस्तों चेक कर पाएंगे कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से शो कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप अपना जो
जॉन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों उन पर एक रेड डालेगी ताकि दोस्तों अभ्यर्थी के फॉर्म फिर से एनेबल हो सके, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आप किस जॉन से हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।